हेलो एवरीवन। और आज हम बात करेंगे तंबाकू एडिक्शन के बारे में। देखिए, तंबाकू एडिक्शन का ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको तंबाकू से रिलेटेड तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होने चाहिए। सबसे पहला फैक्ट स्क्रीन पे दिख रहा है, ये नंबर बनता है तकरीबन 26.7 करोड़। ये इंडिया की वो पॉपुलेशन का हिस्सा है जो तंबाकू को यूज करता है। दूसरा वेल नोन फैक्ट, इंडिया के अंदर तकरीबन 15 लाख लोगों की हर साल डेथ हो जाती है तंबाकू को यूज करने से। तीसरा वेल नोन फैक्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के हिसाब से पूरी दुनिया भर के अकेले 12% स्मोकर इंडिया के अंदर मिल जाएंगे। और यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इंडिया के अंदर इतना ज्यादा एडिक्शन क्यों है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन का हिस्सा तंबाकू को यूज करता है, हर साल लाखों लोगों की डेथ हो जाती है उसके बाद भी तंबाकू का एडिक्शन इंडिया के अंदर खत्म नहीं हो रहा है। इस बात के पीछे चार इंपॉर्टेंट रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन, इजी अवेलेबिलिटी। देखिए, इंडिया के अंदर तंबाकू प्रोडक्ट किसी ग्रोसरी प्रोडक्ट या बिस्किट की तरह इजीली अवेलेबल है। किसी नॉर्मल किराना दुकान से लेकर के छोटे छोटे पान की गुंडी तक आपको आसानी से तंबाकू प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जिस वजह से इंडिविजुअल के लिए इस तरह के प्रोडक्ट को खरीदना बेचना काफी आसान हो चुका है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है सरोगेट एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट की एक ऐसी फॉर्म जहां पर आप इनडायरेक्टली अपने बैन प्रोडक्ट को किसी दूसरे रीजनेबल प्रोडक्ट के साथ बेच करके आसानी से इस तरह के प्रोडक्ट की खरीद बेच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे विमल इलायची का एडवर्टाइजमेंट। और तीसरा रीजन हो सकता है एडिक्शन। देखिए, तंबाकू से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो सिगरेट हो, तंबाकू हो, जर्दा हो, इन सब के अंदर होता है निकोटिन, जो कि काफी ज्यादा एडिक्टिव एलिमेंट होता है, जिसकी वजह से भी इंडिविजुअल इसे छोड़ नहीं पाते। जितने भी इंडिविजुअल जो तंबाकू के यूजर हैं, उनमें से 70% इंडिविजुअल जो तंबाकू के एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन निकोटिन की वजह से सिर्फ 5% से कम ऐसे लोग हैं जो तंबाकू के एडिक्शन को टाइमली छोड़ पाते हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है इकोनॉमिक बेनिफिट, क्योंकि तंबाकू को काफी क्वांटिटी में बनाया जाता है, बेचा जाता है, इसलिए गवर्नमेंट को काफी बड़ा टैक्स मिलता है, जिससे इकोनॉमी को काफी बड़ा सपोर्ट मिलता है। शायद इस वजह से भी इंडिया के अंदर तंबाकू के प्रोडक्ट्स पे स्ट्रिक्ट बैन नहीं लगाया गया। लेकिन यहां से मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि गवर्नमेंट को हर साल तंबाकू से होने वाली डिजीज और तंबाकू से होने वाली डेथ के ऊपर तकरीबन 1,77,500 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जो कि इकोनॉमी में डेवलप किए गए टैक्स से भी कहीं ज्यादा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन, इंडियन रेलवेज अकेले हर साल 1,200 करोड़ रुपए खर्च करती है पान के उस स्प्लिट के लिए जो इंडिविजुअल सरकारी जगह पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर थूक कर आ जाते हैं। So, ये थे वो सारे रीजन जिसकी वजह से तंबाकू एडिक्शन इंडिया से खत्म नहीं हो रहा। तो इसको खत्म करने का सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही हो सकता है कि गवर्नमेंट को एक कंप्लीट बैन लगा देना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनानी चाहिए जिसे स्ट्रांगली फॉलो किया जाए। बस इसमें ध्यान ये रखना होगा कि जो 4 करोड़ इंडिविजुअल हैं जो तंबाकू के बिजनेस से रिलेटेड है, जिसमें फार्मर्स आ गए, कंपनीज आ गई, उनको किसी दूसरे जॉब प्रोफेशन में इन्वॉल्व करने के बाद ही ये बैन लगाया जाए। अरे, वीडियो पसंद आई इसे लाइक करिए, इन्फॉर्मेटिव लगता है शेयर करिए, फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो देखना चाहते चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। चिल्ड्रन गुड बाय, टेक केयर। और वीडियो क्लास तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।